वेलकम बैक टू योर चैनल के पॉप टीवी। स्वागत है आप सबका आज की नई वीडियो में। तो अगर आप एक BTS आदमी हो तो आपको पता है इस बात में कोई शक नहीं कि K-pop सेंसेशन BTS और उनकी कंपनी बिगेट का कंट्रोवर्सीज के साथ पुराना रिश्ता रहा है। कई बार ये कंट्रोवर्सीज इतनी बढ़ जाती हैं कि ना सिर्फ कंपनी बल्कि लोग BTS को तक इतनी बुरी तरह ट्रोल और हेट करते हैं कि उन्हें बैन करने की और बॉयकॉट करने तक की डिमांड स्टार्ट हो जाती है। कई बार बिगेट इस पर आकर अपना स्टेटमेंट देकर इस कंट्रोवर्सी को हटा देता है, लेकिन क्या हो अगर खुद बिगेट बार बार इसी कंट्रोवर्सी को आग में घी की तरह बढ़ाया जाए। जी आर्मी, आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है बिगेट की तरफ से, जिसकी वजह से एक बार फिर से कुछ ही देर पहले सोशल मीडिया पर हाइव और BTS ट्रेंड करने लगे हैं। रीजन वही पुराना है, एक बार फिर से इसराइल और फिलिस्तीन के बीच हो रही लड़ाई। लेकिन इस बार हाइव ने खुद बहुत बड़ी गलती कर दी है, वो भी ओपनली, जिसकी वजह से बहुत सारे फैंस इससे नाराज हो गए हैं और BTS और बिगेट दोनों को ही बैन करने की डिमांड हो रही है। जी आर्मी, आपको नहीं पता तो आपको याद दिला दूं कि कुछ टाइम पहले BTS सुपरस्टार जॉन जंगकुक ने अमेरिकन सिंगर अशर के साथ कोलैब किया था, जिसके बाद बिगेट और अशर के बीच भी काफी क्लोजनेस आ गई है। लेकिन हाल ही में अशर ने बहुत सारे फैंस को नाराज कर दिया जब उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पब्लिकली खुलेआम इसराइल को सपोर्ट कर दिया, जिसके बाद अशर काफी सारे फिलिस्तीन सपोर्टर्स का निशाना बन गए। और अभी कुछ ही देर पहले बिगेट ने अशर से दूरियां बढ़ाने की जगह अशर को सपोर्ट करते हुए अपनी इंस्टाग्राम पर स्टोरी तक डाल दी। बिगेट ने हाल ही में अशर को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हुए उनकी आने वाली एल्बम के लिए विश किया है, साथ ही साथ जंगकुक के साथ काम करने को लेकर भी थैंक यू बोला है, जिसके बाद फैंस बहुत ज्यादा भड़क गए हैं कि बिगेट खुलेआम उस आर्टिस्ट को सपोर्ट कर रहा है जिसने इसराइल को सपोर्ट किया है। इसके अलावा पहले से ही बिगेट पर ये आरोप लग रहे हैं कि बिगेट बहुत सारा पैसा इसराइल में फंड कर रहा है। और आपको पता ही है कि बिगेट को लेकर कोई कंट्रोवर्सी हुई है तो उसमें BTS आएंगे ही, तो एक बार फिर से BTS इसमें आ चुके हैं, क्योंकि बिगेट का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू परसेंटेज BTS की वजह से आता है। तो फैंस ने बिगेट BTS दोनों को ही बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया है, या तो इसराइल में जो बिगेट फंडिंग कर रहा है उसे रोके, या फिर उनके नए CEO स्कूटर ब्रॉनर को उनकी पोस्ट से हटाए, क्योंकि जब से स्कूटर आए हैं तभी से बहुत सारी कंट्रोवर्सीज लगातार हो रही हैं। अब देखना है कि इस बार बिगेट फैंस की इस कंट्रोवर्सी पर कोई रिप्लाई देता है या नहीं। लेकिन तब तक आप लोगों को इसे लेकर क्या लगता है कमेंट्स में बताना।